मेरे परिवारजनों, जब तक इस देश का एक भी गरीब चिंता में है तब तक मोदी निश्चिंत नहीं हो सकता है। जब तक आप सभी तक ये गारंटियां पहुंच नहीं जाती तब तक मोदी चैन से बैठ नहीं सकता। और इसलिए जनजातीय गौरव दिवस पर, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर 15 नवंबर को मोदी के गारंटी वाली सैकड़ों गाड़ियां निकल पड़ी है, सैकड़ों गाड़ियां चल पड़ी है पूरे देश में। ये मोदी की गारंटी की गाड़ी है। जिस लाभार्थी को अभी तक सुविधाएं जो नहीं मिली हैं, आने वाले दिनों में ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव जाएगी, अफसर सब लोग लिखेंगे और जो बाकी रह गया है उनकी सूची बनेगी और मोदी ये गारंटी भी पूरी करेगा। जो युवा साथी यहां है, जो पेपर लीक के पीड़ित हैं, उनको बता देना है कि भाजपा आपके लिए लाखों नौकरियां लेकर आ रही है और यहां के गरीब, यहां के मध्यम वर्ग को भी मैं एक बात बता दे उनको याद दिलाना चाहता हूं, भाजपा आने वाली है, भाजपा आने वाली है और मोदी की गारंटी है आपको राहत मिलने वाली है। कांग्रेस ने राजस्थान को देश का बहुत महंगा प्रदेश बना दिया है। यहां डूंगरपुर और आसपास के क्षेत्र में तो दो पहिया वाहनों की, मोटरसाइकिलों की खूब बिक्री होती है, होती है ना, हर एक का सपना रहता है। वो शादी के पहले भी सोचता है ले आऊं। लेकिन आप तो मोटरसाइकिल तो लाते हैं, बढ़िया सेल्फी भी निकाल देते हैं, लेकिन आपको पता है ये राजस्थान सरकार ने आपसे रोज रोज कैसे लूटती है। देखिए, हरियाणा में भाजपा सरकार है, यूपी में भाजपा सरकार है, यहां आपके पड़ोस में गुजरात में भाजपा सरकार है, वहां जो एक लीटर पेट्रोल का खर्चा होता है, आपके राजस्थान में एक लीटर पर 12-13 रुपया ज्यादा मार लेने का काम गहलोत करते हैं। अगर एक दिन में 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर पेट्रोल डलवाते हो तो आपका 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया वो जेब से निकाल देते हैं। आपको मैं गारंटी देता हूं, राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही पेट्रोल डीजल के दामों की समीक्षा होगी और जनहित में फैसले भी होंगे। राजस्थान भाजपा ने हमारी बहनों बेटियों को गैस सिलेंडर की बहुत सस्ता करने की गारंटी दी है। मैं राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों से भी क्या बात कहूंगा, यहां कांग्रेस ने आपके साथ जो विश्वासघात किया है उसका दुख मैं समझ सकता हूं। कांग्रेस की लूट की वजह से यहां सरकारी खजाना खाली हो चुका है, महीनों महीनों सरकारी कर्मचारियों के पैसे सरकार के पास अटके रहते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। यहां ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड के पैसे तक मिलना मुश्किल हो गया है।
कांग्रेस ने यहां व्यवस्था में जितनी बीमारियां लगाई है, भाजपा हर बीमारी का इलाज करेगी।